अरे चाइनीज की शॉप पे पिज्जा कहाँ से ले आए थे? हाँ भैया ये जो है इधर आओ पहले पास में जल्दी से, बिल्कुल ये है चाइनीज पिज्जा। Hi guys, welcome back to another episode of Indorii Chatore. तो यार भैया मतलब जो धार के दो ब्लॉग तो कर लिए थे और फिर लगा कि यार शायद धार में कुछ मिले ना मिले, फिर पता चला एक न्यूज आई कि भैया अग्रवाल चाइनीज पे चाइनीज बहुत अच्छा मिलता है। बिल्कुल यार अग्रवाल चाइनीज का जो चाइनीज है वो धार में बहुत स्पेशल है और सबसे पुरानी दुकानों में से एक है, मतलब कि यहाँ का जो चाइनीज है बहुत सालों से मिल रहा है। ऐसा बोल सकते हैं धार को चाइनीज खाना किसने सिखाया? अग्रवाल चाइनीज ने। तो यार भैया सुना बहुत अच्छा नाम है, तो टेस्ट भी करते भैया कैसा है टेस्ट? तो अब यहाँ पे क्या क्या टेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ का मेन्यू भी थोड़ा सा अलग है, कुछ स्पेशल चीजें हैं खाने के लिए। तो जो हमको नाम से स्पेशल लगी और जिस तरीके से भैया ने डिस्क्राइब करा, बिल्कुल भैया ये चीज ऐसी ऐसी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पनीर मंचूरियन और एक वेज डायमंड करके कुछ है। तो वेज डायमंड क्या होता है वो आपको बताएंगे और कैसा उसका टेस्ट वो बताएंगे। और बस ये धार का आखिरी ब्लॉग रहेगा, तीसरा ब्लॉग आखिरी ब्लॉग है, फिर भले कुछ छूट गया हो तो वो फ्यूचर में कवर करेंगे, बिल्कुल कवर करेंगे। और बस बने रहिए, बिना स्किप करे देखना, बहुत मजा आएगा। तो यार जैसे हम लोग आए हैं अग्रवाल चाइनीज पे, तो मैं एक बार अच्छे से एड्रेस समझा देता हूँ आपको। इंदौर अहमदाबाद जो रोड है अपना, वहाँ से अगर अपन धार से इंदौर की तरफ जाते हैं तो अपनी सर्विस रोड पे आता है अग्रवाल चाइनीज, जो कि आपको जस्ट सामने दिख रहा होगा। और ये है एक्सिस बैंक के जस्ट पास में है। तो यार अब टेस्ट करके देखते हैं कि वेज डायमंड और पनीर मंचूरियन कैसा है। तो यार मिक्कू क्या खा रहे हो सबसे पहले? यार सबसे पहले जो अपन खा रहे हैं वो है पनीर मंचूरियन। पनीर मंचूरियन बोले तो इसमें चिली पनीर है और मंचूरियन है, मतलब जो अपने मंचूरियन थे जैसे मंचूरियन बॉल होता है। इधर दिखाओ एक बार, ये मंचूरियन बॉल। अरे क्या लजीज दिख रहा है। और ये पनीर, दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ अलग है। टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है, पहले सिर्फ पनीर ही टेस्ट कर लेते कि भैया कैसा लग रहा है। इसका ना जो फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं, अरोमा बोल सकते हैं ना, वो बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ कैसा लग रहा है यार? पनीर बहुत ही सॉफ्ट है। अच्छा? मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा दे रहा है और जो पनीर के ऊपर जो अपनी कॉर्नफ्लावर की जो वो रहती है कोटिंग वो बहुत अच्छी है। मतलब वो आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि कुछ एकदम लजीजदार खा रहे हो। और मंचूरियन भी साथ में, एक मंचूरियन बॉल भी टेस्ट कर ही लेता हूँ कैसी है। अरे क्या बात है, गरम होगी भाई, बहुत बहुत ज़्यादा।
यार मंचूरियन बॉल भी बहुत अच्छी है। अच्छा, और अच्छी तरीके से अपनी ग्रेवी का टेस्ट गया है कि नहीं मंचूरियन में? ग्रेवी का टेस्ट गया, बहुत अच्छी बात पूछी तुमने, ग्रेवी का टेस्ट गया है और ग्रेवी की वजह से इसका टेस्ट एनहांस हुआ है यार। अच्छा हाँ, और इसकी रेटिंग अगर मैं बात करूँ इंदौरी चटोरे के स्केल पे तो दिस गोस 4.5 आउट ऑफ 5 यार। मतलब ट्राई करना बनता, ट्राई करना बनता है। और धार जैसी सिटी में आपको इतना अच्छा फूड मिल रहा है, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहा है यार, बिल्कुल। तो एक बार तो ट्राई करना जरूर बनता है इस चीज़ को। क्या चीखो भैया, अकेले अकेले खा रहे हो, क्या खा रहे हो? वो चलो वो सब तो ठीक है, पहले ये देखो यार, ये है वेज डायमंड। वेज डायमंड, वेज डायमंड मतलब डायमंड के शेप में वेजिटेबल है, उसके ऊपर कोटिंग है अपनी कॉर्नफ्लोर की थोड़ी। अच्छा। बहुत, और उसको फ्राई, डीप फ्राई किया गया है, उसके बाद इसके ऊपर चाइनीज की एकदम जो ग्रेवी रहती है वो डाली गई है। अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ एक्चुअल में है कैसा इसका टेस्ट, और है क्या थोड़ा सा बताओ कि बना कैसा है, कैसा है। दिखने में काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ, वो देखो आप एक बार उसका एक्चुअल साइज में दिखाता हूँ, जो शेप है इसका डायमंड जैसा तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल हाँ थोड़ा थोड़ा कट लगाए हैं उसमें, कोशिश करी है यार। ये जो है सबसे पहले तो क्रंची बहुत है, और इसके ऊपर जो अपनी जो ग्रेवी रहती है, ग्रेवी का टेस्ट बहुत प्यारा आ रहा है। ऊपर से स्पेशली भैया ने हमारे लिए मेयोनीज डाल के दिया है क्योंकि हम और अच्छे से इसको टेस्ट कर सके। और अंदर वेजिटेबल वगैरह कुछ है? हाँ, अपनी पत्ता गोभी का बहुत प्यारा टेस्ट आ रहा है, और अपन ऐसा बोल सकते हैं इसमें शहद भी डाला गया, जैसे अपन वेज कोते खाते ही है, तो वेज कोते और अपना जो वेज लॉलीपॉप है इसका एक मिक्सचर लग रहा है ये। अच्छा, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी रिकमेंडेड है, अगर आप अग्रवाल चाइनीज आ रहे हो तो आप वेज डायमंड जरूर खाओ। और अगर इसको इंदौरी चटोरे के स्केल पे अपन रेट करना चाहें तो दिस गोज 4 out of 5। तो यार भैया, मतलब जो धार की सबसे पुरानी और फेमस चाइनीज की शॉप है सर, उसकी ओनर, तो सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। तो गौरव सर बताएं कि मतलब अग्रवाल चाइनीज की क्या है कहानी, मतलब जो आप चाइनीज के धार में मतलब सबसे जाने माने आउटलेट हैं, तो कैसा है आपका सफ़र, मतलब कैसा रहा आपका सफ़र धार में, और लोगों को कैसा लगता है अपने धार में चाइनीज खिलाना? बहुत अच्छा लगता है लोगों को चाइनीज खिलाना, सेवा देना। और सर कब से है अपनी शॉप? 2011 से। और मैंने सुना है सर, मतलब अपने कंपटीशन में, मतलब अपने जैसी इतना अच्छा टेस्ट सर्व करने वाली और ऐसी दुकान जहाँ बैठने की भी व्यवस्था मिल जाए अच्छे, ऐसी धार में कोई और शॉप है भी नहीं। तो सर और बताएं कि अपने आप वैरायटीज क्या क्या हैं थोड़ी सी? चाइनीज सब अवेलेबल रहता है सर, साउथ इंडियन रहता है, चाइनीज रहता है, इटालियन रहता है, बारबेक्यू रहता है। ओके, मतलब एक अच्छी वैरायटी। सर आप क्या कह रहे थे, कितनी वैरायटीज है टोटल? 180 आइटम्स है आपके वहाँ ऑन मेन्यू? ऑल मेन्यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, मतलब आप एक बहुत बड़ा मेन्यू लेके चल रहे हैं। और आप जोमेटो और स्विगी पे भी अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अरे चाइनीज की शॉप पे पिज्जा कैसे ले आए थे? भैया ये जो है, इधर आओ पहले पास में जल्दी से। बिल्कुल, ये है चाइनीज पिज्जा, मतलब इसके अंदर है नूडल्स, ये नूडल्स, मतलब ये पिज्जा बेस, ऊपर नूडल्स और ऊपर चीज। क्या बात है, मतलब यार ये भैया ऐसी चीज इंदौर में तो अपन ने पहले कभी खाई भी नहीं। हाँ, मतलब अगर होगी भी तो हमने अभी तक नहीं खाई। बिल्कुल यार, अभी तक देखी भी नहीं थी ऐसी चीज तो कोई। तो यार मतलब
एकदम पिज्जा का एक स्लाइस ही लग रहा है ये, वही है वैसे तो उसका जो मतलब उसको डेकोर करने का जो तरीका है बहुत ही प्यारा, जो इसकी ड्रेसिंग करी बहुत प्यारी करी है। तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो नूडल्स है, क्या बात है क्या बात है। कैसा लग रहा है? एक पल के लगा पिज्जा ही खा रहा हूँ। तो पिज्जा ही तो है वो, मतलब उसमें नूडल्स है ना पर। अच्छा अच्छा, ऐसा कि मतलब मेरे को मालूम है क्योंकि नूडल्स, इसलिए मुझे लगा कि क्या नूडल्स जैसा टेस्ट करेगा। तो नूडल्स का टेस्ट बहुत कम आ रहा है। अच्छा, जो मेन टेस्ट है वो अपना चीज, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और पिज्जा डो का आ रहा है। अच्छा, और मतलब नूडल्स का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नूडल्स का आ रहा है, बाद में आया, आपका टेस्ट जो आएगा वो नूडल्स का आएगा। क्या बात है, या कुछ अलग चीजें आ रही है, मतलब ये चीज अपन ने ढूंढ निकाली, मतलब बिल्कुल कुछ यूनिक धार में ढूंढ लिया है खाने के लिए। तो इस अपने क्या बोल सकते हैं इसको, चाइनीज पिज्जा के लिए भैया इसको मैं देना चाहूंगा 5 out of 5 इंदौरी चटोरे की रेटिंग। क्या बात, मतलब इसका जो फ्यूजन है, जो बनाया है, इसको जैसा डेकोर करा है ना, वो बहुत अच्छा है और टेस्ट भी सही में बहुत अच्छा है। क्या बात। तो यार गाइस ये था वीडियो अग्रवाल चाइनीज का और अपने चाइनीज पिज्जा का। यार मतलब क्या तो चाइनीज पिज्जा है, बहुत टेस्टी था, मजा आया खा के। और ये तुमको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक्चुअली अच्छा इससे लगा क्योंकि नूडल्स खाने का मेरा बहुत मन था और वो पिज्जा में नूडल्स आ गई तो, और वो मतलब बहुत ही सही था यार। कुछ अपने आप में यूनिक कंटेंट है। और भैया आज फाइनली अभी ये जो वीडियो है इसमें धार अपन खत्म करते हैं, धार अभी खत्म करते हैं, अभी के लिए खत्म करते हैं, फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस लाएंगे धार और के। जैसे धार आए हैं वैसे आप किसी दूसरे शहर में विजिट करेंगे जल्दी, कब करेंगे आपको बता दिया जाएगा। और अभी वैसे अपने वापस इंदौर के लोकल वीडियोस आने वाले हैं जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस ऐसे वीडियो देखते रहो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर लो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। ये पूरी बस अपनी है, ये पूरी बस अपनी है भाई, इधर इधर।